तो बाबा लोग वेदा मूवी किसने देख ली? चलो जिसने नहीं देखी 2 मिनट रिव्यू देख लो, देन उसके बाद डिसाइड करना कि देखनी है या नहीं देखनी है। तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत सॉलिड होती है, शुरू से चिपका डालेगी आपको अपनी सीट पर। लेकिन सबसे पहले भाई दाद देनी पड़ेगी इस मूवी की, किसने ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर काम किया है जिसके लिए पूरे 100 नंबर है इसे। जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन जो अभी भी देश के कहीं कुछ कोने में चलती है, उस सच्चाई को बहुत बहुत क्लोजली दिखाया है, जिसे देखकर भाई आपका भी खून खौल जाएगा एंड आप अपने ही सिस्टम पर थूकने लग जाओगे कि ये सब होता है आज भी। इस पॉइंट की मूवी पूरी पूरी लाज रखी है। मेकर्स ने फुल कोशिश करी कि मूवी को टिप टॉप बनाने की, जो फर्स्ट हाफ तक लगा भी। मूवी जिस पेस के साथ स्टार्ट होती है, शुरू में बहुत अच्छा एक्शन प्रॉमिस करती है, वो सब स्टेप टू स्टेप अच्छा चल रहा था, लेकिन सेकंड पार्ट में घुसते ही मेकर्स ने पूरी मूवी की, इसकी स्टोरी की धज्जियां उड़ा दी। सेकंड पार्ट में सिर्फ मूवी को खींचने का ही काम किया है, क्योंकि जिस हिसाब से आप मेन कैरेक्टर यानी जॉन इब्राहिम को पावरफुल दिखा रहे हो, सडनली उसे इतना कमजोर दिखाना, देन उसके बाद एंडिंग में तो भाई पूरी ही धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। एंडिंग डिसअपॉइंट करके जिस रुतबे के साथ इसे खत्म कर सकते थे, वो पूरा रुतबा ही इन्होंने खत्म कर दिया। डायरेक्टर की विजन सेकंड हाफ में जाते ही पूरी भटक जाती है, मूवी कहां जाना चाहती थी और मूवी कहां चली गई। अब मूवी की स्टोरी फॉलो करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो मेवाड़ के बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान की कहानी है। एक प्रधान होता है जो इस छुआछूत जात पात की व्यवस्था का सहारा लेकर लोकल के लोगों पर अपनी ताकत का वर्चस्व रखना चाहता था, जिसको बाखूबी अभिषेक बैनर्जी ने प्ले किया है, और इसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आया था। इसकी अपनी इतनी मनमर्जी चलती रहती है कि छोटी सी गलती में ये पूरे पूरे परिवार को मरवा कटवा डालता है। इन्हीं में से एक वेदा यानी अपनी सर्वरी का परिवार आ जाता है। इसके हत्थे सर्वरी प्लेज अ दलित गर्ल, जो इस अत्याचार को अब खत्म करना चाहती है, और उसका साथ एक सारथी के रूप में जॉन इब्राहिम कोर्ट मार्शल्ड गोरखा मेजर फौजी इसका साथ देता है, और मार काट एक्शन के मामले में अपना गोरखा जवान बिल्कुल भी कमी नहीं करता है पूरी मूवी में। एंड तक फुल वायलेंस देखने को मिलेगा आपको इसमें। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में क्षितिज चौहान प्रधान का छोटा भाई, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दी है भाई इसने। एक क्रूअल विलेन के मामले में इससे नफरत हो जाएगी आपको, और तुम्हारे अंदर से ना सीधे यही आवाज आएगी कि भैंसो सबसे पहले इसकी मौत चाहिए बाबा, और कुछ नहीं, बस इसे खत्म करो जैसे तैसे। बाकी सर्वरी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, ऑल्सो जॉन इब्राहिम बाबा ने भी एक नंबर का काम कर रखा है। पूरी मूवी में बहुत कम बोला है ये बंदा, और यही इसके लिए बेस्ट था, क्योंकि ये जानता था और डायरेक्टर भी जानते थे कि ये जब भी अपना मुंह खोलेगा हगेगा। दैट्स व्हाई कि भाई साहब इसे जिस काम के लिए रखा गया है, एक्शन मार काट, बस यही कराओ इससे, और वही कराया उन्होंने उससे, इसलिए ये नंबर वन जमा है वहां पर। बाकी ओवरऑल मूवी देखने लायक है, वन टाइम वॉचेबल है, और इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर जो ये मूवी सॉलिड काम करके गई है, बाबा आउटस्टैंडिंग। बाकी हर साल मैं कहता हूं कि भाई एक मूवी इस मुद्दे पर आनी चाहिए, लोग पसंद करेंगे, डेफिनेटली पसंद करेंगे। सिनेमा सोसाइटी का आईना होता है, और इसका यूज ऐसे मार्वलस चेंजेस के लिए बार बार करा जाएगा, क्योंकि ऐसे हर बार हर साल हमें 3600 केस देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं कोने से, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, कहीं भी किसी एक कोने से ऐसी एक घटना आ ही जाती है, तो उसके ऊपर एक मूवी ओटीटी पर कुछ भी बना सकते हैं। तो बाबू मैं चाहूंगा कि आप लोग मूवी देखो, क्योंकि आपको इस यहाँ से पता लग जाए, क्योंकि बहुत क्लोजली उन्होंने ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वाली चीजें दिखा रखी है। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे, जय हिंद।